आप सभी का स्वागत है इनफिनिट क्लास में। इनफिनिट क्लास के आज की कक्षा लेवल ऑफ टीचिंग को लेकर है। यूजीसी नेट और सीजी सेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी लर्नर्स के लिए लेवल ऑफ टीचिंग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में माना जाता है। लेवल ऑफ टीचिंग से हर बार एक प्रश्न जरूर देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो लेवल ऑफ टीचिंग मतलब शिक्षण के स्तर। टीचिंग शिक्षण जो कार्य है उसके बारे में पहले भी मैंने जो है वो अपने वीडियोस में बताया है आप सभी को। इस कार्य को हमने तीन अलग अलग स्तर के रूप में देखा। सबसे पहला देखना है स्मृति, दूसरा है बोध और तीसरा जो आपका है वो है चिंतनशील। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है जिसको स्मृति स्तर कहा जाता है। दूसरा जो लेवल है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है जिसको बोध स्तर कहा जाता है। और तीसरा जो लेवल है वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है जिसको हम चिंतनशील स्तर के नाम से जानते हैं। तो ये सारे स्तर होते हैं टीचिंग के लिए। ठीक है, इन तीनों लेवल को हमको समझना जरूरी है। इस लेवल के टीचिंग करने के बाद लर्नर के अंदर क्या क्षमता आती है उस क्षमता को समझना जरूरी है। हर एक लेवल के प्रस्तावक कौन है इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। हर एक लेवल किन चीज़ों को परिभाषित करता है, एक छात्र के अंदर कैसी क्षमता उत्पन्न कराता है, इनके बारे में जानना है। सवाल स्टेटमेंट्स में, सवाल मैच ऑफ द फॉलोइंग के फॉर्म में या सिंगल लाइनर क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं जो है वो। तो सवालों के आधार पर ही ये थ्योरी बनाई गई है। आप शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले मेमोराइज करने की कोशिश करें जैसा कि इस लेवल में बताया गया, मेमोरी लेवल में। उसको बाद में समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। और आप भी अगर कहीं पे टीचिंग कराते हैं तो उसको रिफ्लेक्टिव लेवल के रूप में, या लर्नर भी हैं जो आप खुद को भी सिखाते हैं तो रिफ्लेक्टिव लेवल में चिंतनशील स्तर पर उस पर काम करें। तो सबसे पहले आपको क्या याद करना है कि तीन लेवल हैं टीचिंग में, शिक्षण के तीन स्तर हैं। सबसे पहला जो स्तर है वो हमारा क्या है, स्मृति स्तर। दूसरा जो स्तर है वो क्या है, हमारा समझ का स्तर जिसको हम बोध स्तर भी कहते हैं। और तीसरा जो स्तर है वो हमारा है चिंतनशील स्तर जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के नाम से जानते हैं। क्योंकि इस क्लास को देखने वाले हमारे जो लर्नर्स हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों प्रिफर करते हैं, इसलिए बाइलिंगुअल जो है वो यहाँ पे हमने कोशिश किया है इन चीज़ों को बनाने का। आप नोट डाउन करते जाइएगा, जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट करके रखना है, इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये सारे कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेमोरी लेवल जो है वो हम पढ़ते हैं, स्मृति स्तर। तो इसे क्या माना जाता है, इसे सबसे पहला स्तर माना जाता है। ठीक है, मेमोरी लेवल जो है वो आपका क्या है, फर्स्ट लेवल है, प्रथम स्तर के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके प्रस्तावक किन को जाना जाता है, तो हर्बर्ट जो है वो, ठीक है, हर्बर्ट ने इसको जो है वो क्या किया है, प्रस्तावित किया है। इसे सबसे लोवेस्ट लेवल, सबसे निम्न तम स्तर के नाम से जाना जाता है। सबसे निम्न स्तर के नाम से निम्नतम स्तर क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे केवल याद रखने वाली बात होती है। ठीक है, रिटेन करके रखने की बात होती है, मेमोराइजेशन की बात होती है, ये नॉलेज की बात करता है, ज्ञान की बात करता है। ये जो लेवल है इस लेवल को थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग कहा जाता है। थॉटलेस लेवल जो होता है वो क्या होता है, विचारहीन स्तर। ठीक है, विचारहीन स्तर का मतलब होता है जहां पर एक लर्नर के द्वारा किसी भी प्रकार के विचार नहीं, उसके मन में किसी टॉपिक को समझाया जाए तो वो विचार नहीं करेगा उसके बारे में कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। केवल वो क्या करेगा, याद करेगा। और शिक्षा का कार्य क्या होगा कि उसको कैसे याद रखाया जा सके, किस सीक्वेंस में बताया जाए, किस चरण से बताया जाए, कि कितनी आसानी के साथ वो चीज़ों को क्या कर सकता है, याद रख सकता है। तो ये मेमोरी लेवल में होता है। टीचर यहाँ पर प्रमुख होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये टीचर सेंटर्ड है। ठीक है, शिक्षक प्रमुख माना जाता है, शिक्षक पर केंद्रित होता है। इसमें जो काम होता है वो क्या होता है, रोट लर्निंग का। रोट लर्निंग कहते हैं या क्या कहते हैं, क्रेमिंग कहते हैं, मतलब रटन। इसके थ्रू हम लोग इसकी देखते हैं कि जो भी मेमोरी लेवल होता है उसमें क्या होता है, तो रटन होता है। इसके बाद ये किनके लिए उपयोगी होता है, तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो होता है वो लोअर क्लासेस के लिए, मतलब निचली कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए जो है वो ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। ठीक है, प्राइमरी जो छात्र होते हैं, जो शुरुआती समय में रहते हैं सीखने को लेकर, उनको जो है वो माना जाता है। ठीक है, साइकोलॉजिकली अगर बात करें, मनोवैज्ञानिक रूप से अगर बात करें, तो इसको कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। एक टॉपिक जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है जिसके बारे में हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो ब्लूम्स का जो कैटेगराइजेशन है लर्निंग आउटकम्स को लेकर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, वहाँ तीन डोमेन को डिस्कस किया गया। पहला जो डोमेन है वो क्या है, कॉग्निटिव डोमेन है। दूसरा जो डोमेन है वो क्या है, आपका अफेक्टिव डोमेन है। और तीसरा जो डोमेन है वो आपका क्या है, तो वो आपका साइकोमोटर डोमेन है। तो कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक। तो ये संज्ञानात्मक स्तर का शिक्षण माना जाता है, जहां पर ज्ञान को ज्यादा जो है वो ध्यान रखा जाता है, ज्ञान पे ज्यादा फोकस किया जाता है। जो भी फैक्ट हैं, जो भी तथ्य हैं,
जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचनाएं हैं, उनको क्या किया जा सकता है, उनको स्मरण करके रखा जाता है, रिकॉल किया जा सकता है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में अगर हम आगे बात करें, तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या क्षमता हमारे अंदर लेके आता है, तो हमारे अंदर जो क्षमताएं होती हैं, रिकॉलिंग की क्षमता होती है और रिकॉग्नाइजिंग की क्षमता होती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम कोई भी फैक्ट होते हैं, कोई भी तथ्य होते हैं, उन तथ्यों को याद रख सकते हैं और उनको पहचान सकते हैं, अगर हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग कर चुके हैं, ठीक है। और किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा 3 लेवल है, मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, तो आप अपने तरीके से क्या करेंगे, एक तार्किक आधार आप तैयार कर दिए जाएंगे जिससे आपको याद रहेगा ज़्यादा लंबे समय तक। तो HMH हम लोग कह देते हैं, हर्बर्ट है, मॉरिशन है और हंट, तो हर्बर्ट, मॉरिशन, हंट, ये 3 नाम हैं जो प्रस्तावक के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरीके से जानकारी को बनाए रखने के लिए एक मजबूत तार्किक आधार हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट जो होता है वो क्या कर सकता है, तो जिस क्रम में उसको सिखाया गया है उस क्रम में सही ढंग से उसको क्या करता है, दोहराता है। जैसे मैंने आपको कहा कि 3 लेवल ऑफ टीचिंग है, अगर आपको याद हो गया, इसका मतलब आप 3ों लेवल को उसी क्रम में बता सकते हैं कि पहला मेमोरी लेवल है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल है और तीसरा क्या है आपका, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, ठीक है। छात्र एक प्रकार से व्यवहार की संरचना करता है, व्यवहार पे फोकस जो होता है, एटीट्यूड पे, बिहेवियर पे, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होता है, मगर संरचना यहीं से शुरू होती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में जाने से पहले मेमोरी लेवल में होना जरूरी होता है जो, ठीक है। मेमोरी, इसमें कौन सी क्षमता बढ़ती है, तो छात्र की मेमोरी बढ़ती है, मेंटल एबिलिटी बढ़ती है, मतलब मानसिक क्षमता जो है वो बढ़ती है। जो भी कंटेंट होते हैं, स्टडी मटेरियल होते हैं, वो पहले से क्या होने चाहिए, व्यवस्थित होने चाहिए, ऑर्गेनाइज होने चाहिए और क्या होने चाहिए, प्री प्लान होने चाहिए, मतलब पूर्व से नियोजित होने चाहिए, ठीक है। पहला लेवल हो गया। दूसरा जो लेवल है वो हमारा क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग कहा जाता है, जो हमारा क्या है, समझ का स्तर है। इस समझ के स्तर को, बोध स्तर को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, तो मॉरिशन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। जैसे मेमोरी लेवल को हमने देखा हर्बर्ट के द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल को किसके द्वारा किया गया, मॉरिशन के द्वारा किया गया है। जो मेमोरी लेवल होता है उसमें केवल मेमोरी की बात की जाती है, मगर अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या बात किया जाता है, मेमोरी भी है और इनसाइट, इनसाइट प्लस मेमोरी, मतलब अंतर्दृष्टि होती है किसी चीज को लेकर, अपनी समझ, अपने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन करने का काम कर सकते हैं। तो अंतर्दृष्टि के साथ साथ क्या देखने को मिलता है, स्मृति देखने को मिलता है। इससे पहले हमने बात किया कि मेमोरी लेवल में क्या बढ़ता है, तो मेमोरी लेवल में आपका जो है वो मेंटल एबिलिटी बढ़ता है, और यहां पर जो हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की बात की जाती है, बौद्धिक क्षमता जो होता है हमारा वो विकसित होता है। कब कहाँ किस तरीके से बात करना है, कब कहाँ किन शब्दों का प्रयोग करना है, कब कहाँ किसको किस तरीके से डिफाइन करना है, वो क्षमता हमारे यहाँ पर कब आती है, जब हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। एक छात्र के अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटी बनती है, मतलब वो सोचने की क्षमता उपयोग करता है, किसी भी चीज को किस प्रकार से सोचा जाए, थिंकिंग एबिलिटी पे हम लोग बात करते हैं, सोचने की क्षमता पे हम लोग बात करते हैं। ये क्या बढ़ाता है, तो ये किसी भी तरीके का, किन्हीं तथ्यों के बीच में, ठीक है, तथ्यों और प्रिंसिपल सिद्धांतों के बीच में क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है, संबंध बताता है कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है और ये कब होता है, ये चीजें डिफाइन कराने की क्षमता लाता है आपके अंदर। आप अर्थ बता सकते हैं, अपने शब्दों में अर्थ बता सकते हैं, तो रिलेशनशिप और मीनिंग की बात हो रही है, रिश्ते और अर्थों की बात हो रही है। स्टूडेंट क्या कर सकता है, तो स्टूडेंट जो है वो अपने शब्दों में किसी भी चीज को डिफाइन कर सकता है। ध्यान रखिए, मैं आपसे पूछता हूं कि कितने लेवल हैं, तो 3 लेवल आप बताते हैं लेवल ऑफ टीचिंग में, जो मैंने बताया उसी तरीके से बताते हैं जब आप उसको अपने शब्दों में बताते हैं। तो अपने शब्दों में जब बताते हैं तो मतलब कौन से लेवल की टीचिंग हो गई है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग हो चुकी है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो होता है वो क्या बताता है, अपने शब्दों में उस चीज को डिफाइन करने का काम करता है, ठीक है। जो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल में और जो है कि क्या कर सकते हैं, तो विद्यार्थी जो है वो क्या कर सकता है, तो अलग अलग तरीके से किसी भी मीनिंग को समझा सकता है, किसी भी अर्थ को समझा सकता है। तो कोई भी एक टॉपिक है, कोई तथ्य है, कोई इंफॉर्मेशन है, उसको अलग अलग तरीके से व्याख्या करने का काम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग हो जाने के बाद होता है, ठीक है। इस लेवल में टीचर के साथ साथ स्टूडेंट दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक्टिव भूमिका में होते हैं, सक्रिय भूमिका में होते हैं। इससे पहले मेमोरी लेवल में केवल कौन होता है, बताया था हमने, टीचर बस होता है, परंतु अंडरस्टैंडिंग लेवल में कौन होता है, टीचर के साथ साथ स्टूडेंट भी जो होता है वो क्या होता है, एक्टिव रोल में माना जाता है। जो टीचर होता है वो क्या करता है, छात्रों को फैक्ट और प्रिंसिपल्स के बीच में, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि तथ्यों और सिद्धांतों के बीच का रिलेशनशिप बताता है, और ये बताता है कि किसी भी सिद्धांत को कब, किस समय और कैसे क्या करना है, अप्लाई करना है, इस चीज के बारे में जो है वो समझाता है, बताता है। टीचर कुछ एग्जाम्पल्स देता है, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स, निगेटिव एग्जाम्पल, जैसे हमारे जितने भी ऑफलाइन क्लासेस होते हैं उन सभी ऑफलाइन क्लासेस में, क्योंकि हमको समय रहता है उन चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करने का, डिफाइन करने का, तो हम उन एग्जाम्पल्स के साथ उनको जो है वो समझाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी जो है हमको देखने को मिलती है, अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए वो जरूरी होता है।
ये जो है वो हमारा दूसरा लेवल था। अब जो हमारा तीसरा लेवल है वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जिसको हम चिंतनशील स्तर के नाम से जानते हैं। पहला हमने मेमोरी लेवल देखा, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल देखा, तीसरा हम देखने जा रहे हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। अगर आपको इसमें जाना है और इससे पहले आप समझते हैं कि मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग को फिर से देखना है, तो वीडियो को आप फिर से चालू करके एक बार देखिए, जहाँ से आपको वो प्रॉपरली जो है वो समझ में आने लगे। क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो मैं उन्हीं उन्हीं चीज़ों को बार बार बोलूँ वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, आप उनको पीछे जाके एक बार देख सकते हैं। इनके प्रस्तावक कौन माने जाते हैं? तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के जो प्रस्तावक है वो हंट को माना जाता है। तो सबसे पहले मेमोरी लेवल की जो हमने बात की, हर्बर्ट को माना जाता है। उसके बाद हमने जो बात की अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें हमने मॉरिसन की बात की, और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है उसके प्रस्तावक कौन है? तो हंट है। इसको इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग भी कहते हैं, मतलब आत्मनिरीक्षण स्तर कहा जाता है, जहां हम स्वयं क्या निरीक्षण करने की कोशिश करते हैं, हम किसी चीज को अपने तरीके से डिफाइन करने का काम करते हैं, हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं किसी भी चीज को, हम खुद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं, ये जो सारी चीजें होती हैं उस तरीके से हम लोग रिफ्लेक्टिव लेवल पे बात करते हैं। इससे पहले सबसे पहला मेमोरी लेवल जो था वो थॉटलेस बताता है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो थॉटफुल बताता है, मगर ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो आपका हाईली थॉटफुल बताता है, मतलब अत्यधिक विचार होता है, डीपली आप किसी भी चीज के बारे में क्या करते हो, सोचते हो। एक समय में किस तरीके का विचार लाना है, आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए कहा जा रहा है तो आपको पब्लिक को देखकर किस तरीके से शब्दों का प्रयोग करना है, कब चेंज करना है, क्या लेकर आना है, ये सारी चीजें, एक पर्टिकुलर टाइम में किसी चीज के बारे में सावधानी पूर्वक सोचना, वो जो होता है वो कब आता है हमारे अंदर में? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के बाद आता है। ठीक है, ये हाईली थॉटफुल माना जाता है और सबसे ज्यादा उपयोगी यूजफुल माना जाता है। परंतु इससे पहले जो अंडरस्टैंडिंग है वो केवल थॉटफुल है, और मेमोरी जो लेवल है वो क्या होता है? थॉटलेस होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में हम बात करते हैं कि क्या कर सकते हैं, तो समस्याओं के बारे में, किसी समस्या को पहचाना जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जाता है प्रॉब्लम को, उसको डिफाइन किया जाता है और ढूंढा जाता है समस्याओं का जो है वो सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। ठीक है, तो हल ढूंढने का काम होता है, उसको समस्या को पहचानने का काम होता है, समस्या को परिभाषित करने का काम होता है, वो हमारे अंदर आ जाता है जब हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। अगर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हुआ है तो हम किसी भी समस्या को क्रिटिकल एबिलिटी के साथ, अपना जो है वो क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पर आलोचनात्मक क्षमताओं के साथ हम समस्या को हल करते हैं और उसको हल करने में सफल भी होते हैं। हमारे अंदर एक थिंकिंग और क्रिएटिव एबिलिटी जो है वो क्या होती है? डेवलप होती है। सबसे पहले मेंटल एबिलिटी, दूसरा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, और तीसरा हम जो देख रहे हैं ओरिजिनल थिंकिंग और क्रिएटिव एबिलिटी। ओरिजिनल थिंकिंग मतलब हम अपने तरीके से किसी चीज को सोचने की बात कर रहे हैं, इससे पहले जो है वो जो बढ़ाया गया, जो समझाया गया, उसको विचार करने की बात की जाती है, यहाँ पे ओरिजिनल थिंकिंग और क्रिएटिव एबिलिटी की बात की जाती है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में शिक्षक जो है वो ज्ञान को थोपता नहीं है, वो क्या करता है तो किसी छात्र के अंदर टैलेंट लाने की काम करता है, कैपेबिलिटी लाने का काम करता है। और मगर ध्यान रखिए, पहले ही टीचिंग जो है वो रिफ्लेक्टिव की लेवल की नहीं हो सकती, पहले मेमोरी लेवल की होती है, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल की होती है, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल की होती है। ठीक है, इसमें जो है वो लर्नर जो होता है वो ज़्यादा आपका एक्टिव होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होता है। पहले वाले में निष्क्रिय होता है, मेमोरी लेवल में केवल टीचर सक्रिय होता है, दूसरे वाले में टीचर और लर्नर दोनों सक्रिय होते हैं, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सक्रिय जो है वो लर्नर को माना जाता है, क्योंकि उसी के ऊपर रहता है, चिंतनशील स्तर है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो होता है वो प्रॉब्लम सेंटर्ड है, मतलब समस्याओं पर केंद्रित होता है, और स्टूडेंट जो है वो अपने क्या रहता है तो फिर मौलिक कल्पनाओं पर व्यस्त रहता है, कि अपने तरीके से किसी चीज को सोचने समझने में जो है वो व्यस्त रहता है। तो ये तीन आपके लेवल ऑफ टीचिंग थे, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अभी कुछ 1-2 साल 3 साल के अंदर एक और देखा जाता है, जिसको हम लोग टोटली जो है वो लर्नर सेंट्रिक कहते हैं, पूरी तरीके से लर्नर सेंट्रिक कहते हैं, और इसको लिए उसको ज्यादा बेहतर नहीं माना जाता है, इसको ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल कहा जाता है, स्वायत्त विकास स्तर के नाम से जाना जाता है। अफेक्ट की वजह से, फीलिंग्स की वजह से वो किसी चीज को सीखता है, और इसको पूरी तरीके से क्या कहा जाता है? छात्र केंद्रित कहा जाता है। देखिए, इमोशंस जो हैं और आपके एटीट्यूड जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी होते हैं, बट समझ और यहां पर ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल में अफेक्ट्स और फीलिंग, प्रभाव और भावनाएं बहुत ध्यान रखती, स्वतंत्र है पूरी तरीके से भावना पैदा करने के, अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को लेकर भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, नेतृत्व करने का, निर्देश के आधार पर, दबाव के आधार पर, नुस्खा खोजने का, किसी को थोपने का, ये सब चीजें नहीं देखी जाती। ठीक है, व्यवहार का, स्वास्थ्य की भावना का विकास होता है, अपने अंदर चीजें खुद से करने, खुद से रहने की बात होती है, शिक्षक का कोई भी हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं, गुंजाइश ही नहीं होती है, इसलिए इसको एक नकारात्मक शिक्षा भी कहा जाता है, क्योंकि शिक्षक की थोड़ी बहुत गुंजाइश होनी जरूरी है, तब तो शिक्षण का कार्य हो पाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो बात कर रहे हैं, तीन लेवल ऑफ टीचिंग पे बात करें, सबसे पहला जो लेवल है वो आपका क्या है, तो वो आपका है मेमोरी लेवल, दूसरा जो लेवल है वो आपका क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा जो लेवल है आपका क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल हर्बर्ट के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो आपका है वो आपका मॉरिसन के द्वारा, और रिफ्लेक्टिव लेवल जो आपका है वो हांट के द्वारा। मेमोरी लेवल टोटली थॉटफुल है, थॉटलेस है सॉरी,
अंडरस्टैंडिंग लेवल थॉटफुल है और रिफ्लेक्टिव लेवल हाईली थॉटफुल माना जाता है। पहले में याद रखना है, दूसरे में समझना है और तीसरे में चिंतन करना है। हाईली डीपली जो है वो थिंकिंग करने की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा यूजफुल इसको माना जाता है। ये लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने ऑलरेडी जो है वो क्रिएट किए हैं। PYQ सीरीज जो है वो 2004 से लेकर अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं लेवल ऑफ टीचिंग को लेकर, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप क्वेश्चन भी देखिए और जिससे आपको समझ में आएगा कि चीज़ें आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले तो रिकॉलिंग जरूरी है, फिर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, फिर चिंतनशील होना जरूरी है। ठीक है, तो आप रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं ये देखिए। पेपर वन के सारे टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक हमारे वीडियोज़ में अवेलेबल रहते हैं, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का भी एक सब्जेक्ट का ग्रुप होगा। उस ग्रुप में जाकर आप क्या कर सकते हैं, तो उस ग्रुप के लिंक को आप क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और जितने भी वीडियोज़ मिलेंगे लिंक से उसके नीचे सारे क्वेश्चन भी डले हुए हैं क्विज फॉर्मेट में, और आप चेक कर सकते हैं कि आपकी मेंटल एबिलिटी इन्हेंस हुई या नहीं हुई। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो में कमेंट कीजिए, कोई भी फीडबैक अगर आपकी तरफ से हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जो है UGC नेट CG सेट जैसी विभिन्न परीक्षाएं जहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड विषय की जरूरत पड़ती है उसकी तैयारी कर सके। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और ज्यादा मोटिवेट होते जाए और बेहतर वीडियोज आपके लिए उपलब्ध करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय जोहर, जय छत्तीसगढ़।